पार्सल आते ही जा रहे हैं अमेजोन से। इसमें मतलब जैसे ये स्टिकर्स पीछे देख रहे होंगे आप, तो और आया है, ये आया है 1 2 3 से बहुत सारे आए ये। हाँ प्लीज़ रिमूव योर शूज़ वाला भी आया है, तो इसको लगा देते हैं अभी डोर पे। देखो ना, प्लीज़ रिमूव योर शूज़ का लगा दिया है। अंबाराम आइसक्रीम गिर जाएगी। अबे क्या कर रहा है, नीचे तो देख ले। अंबाराम एकदम सही पर्सनालिटी है। आइसक्रीम भी खाना है उसको और नीचे भी गिरा रहा है। अरे छोड़ के चला गया तो। अरे आइसक्रीम खाने में कंसंट्रेट कर रहा हो, बिना उससे तो करेगा ही नहीं कंसंट्रेट। अरे बस बस ठीक है। दरवाजे पे लिख दिया कि भैया जूते बाहर निकाल के आना, फिर भी लोग अंदर लाते हैं। ये साइन लगा दिया है तो कम पड़ रहा था लोगों को, तो हमने एक और साइन लगा दिया है। लेकिन इसके बाद भी परसेंटेज तो कम होगा वैसे, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट लोग पहन के ही आएंगे अंदर, उनको नहीं पढ़ना है। पुश पुल का भी लगा है, पुश पुल का भी लगाया है विद ग्राफिक्स। ये पुल खींचने वाला, पुश धक्का देने वाला, फिर भी उल्टा ही होता है। हम उल्टा ही क्यों होता है यार, सीधा क्यों नहीं होता? मतलब चलो गलती से गलती भी हो जाए तो सीधा गलती हो ना, हमेशा उल्टी गलती क्यों होती है? आज कुलदीप तो छुट्टी पे था, शाम को लेट क्लास भी नहीं थी, एक क्लास थी बस, वो करके आ गया मैं अभी। जो मैंने शॉप लिया है उसके लिए जो बाहर का हिस्सा है, बाहर का पोर्शन है, उसके लिए थोड़ा स्टॉल लगाने का है, तो वहाँ बिजनेस मीटिंग्स करने जा रहे हैं अभी, सब ढूंढने जा रहे हैं। कोई मिल जाता है अच्छा वहाँ पे, हायर करेंगे उसको और वहाँ पर स्टॉल्स लगाएंगे। एक और चीज़ है, पिक्सी के लिए बैग आया है नया, पिक्सी का बैग। और क्यूरियस है ये क्या है, पिक्सी आपका बैग है, इसके अंदर बैठो। रुको आपको बताता हूँ, इसको बैठा के इसके अंदर। और मैं पिक्सी को बाइक से ले आने की सोच रहा हूँ शॉप पर, वो शॉप पर रहेगी क्योंकि मैं भी शॉप पर रहता हूँ, 12 घंटा हो जाता है। पिक्सी के लिए बैग लाए हैं एक, तो ये पिक्सी है और ये उसका बैग है, और ऐसे हम बाइक पर जाएंगे। पिक्सी कैसा लग रहा है? पिक्सी का जो बैग है बहुत कंफर्टेबल लग रहा है उसको, आराम से बैठी हुई है, पहली बार ट्रेवल करवा रहे हैं उसको और अच्छा लग रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है आराम से बैठ गई अभी, रोज ऐसी। आज तो ऑटो से आए, बारिश हो रही है थोड़ी, नहीं तो बाइक से भी आ सकते हम। हाँ ऐसे आगे रख दो, सही है, सेट हो गया इसका अभी लाने ले जाने का। बेचारी घर पे अकेले रहती थी। तो पिक्सी मैडम को शॉप पर ले आए हैं। पिक्सी कैसा लग रहा है आपको, आप बताएंगे? अभी तो क्यूरियस हो रही है, बहुत नई नई जगह है ना, तो सब सुन सुन के देख रही है, म्याओं म्याओं कर रही है, डर रही है। लेकिन पिक्सी नहीं बोल रही है बस। पिक्सी रुको मैं यहीं पे, ठीक है, सामान लेके आता हूँ आपके लिए, खाना वाना, सैंड। अरे काट कर रहे हो, अरे काहे काट रहे हो भाई, बढ़िया एसी है ना तो अच्छा लगेगा इसको, तो गर्मी नहीं लगेगी इतनी। पर्शियन कैट है, अभी तो बाल छोटे किए थे इसके गर्मी में, लेकिन पर्शियन कैट है। बड़े बाल होंगे तो फिर गर्मी लगती है घर पे इसको, तो रात में ही जाएगी घर पे, तो दिन भर यहाँ रहेगी तो गर्मी कम लगेगी। पिक्सी ने मक्खी देख ली एक, वही दरवाजे पे, सुपर एक्टिव हो गई है पिक्सी। पिक्सी अटैक, पिक्सी बोर हो रही थी, अब बिजी हो गई पिक्सी, मक्खी दिख गई उसको, टास्क में लिया उसको एक यहाँ पे। और ये हमारी पिक्सी कुत्ते का शिकार कर रही है, कुत्ते का शिकार करने बैठी हुई है यहाँ पे। पिक्सी गो अटैक, पिक्सी पिक्सी फाड़ दे तू कुत्ते को, फाड़ दे। पिक्सी खोलू दरवाजा, खोलू पिक्सी दरवाजा, खोलू बोल अटैक पिक्सी। मैं दरवाजा खोल रहा हूँ मैं, पिक्सी अटैक करेगी, पिक्सी अटैक कर दो, जाओ अटैक कर, नीचे देख तेरी मौत आ रही है। दरवाजा खुला और पिक्सी अंदर भागी। अरे अभी तो शिकार कर रही थी, अरे पिक्सी अरे जाना शिकार, अरे तुम्हारा शिकार इंतजार कर रहा है, जाओ पिक्सी क्या हुआ, जाओ जाओ गो छू, हाँ जाओ 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 गो
फाड़ दो छीट दो कुत्ते को जा वो बोल रही है मजाक मत उड़ा मेरा जा जा पिक्सी क्या सोच रही जा। सो शॉप पर हूँ मैं अभी और कुलदीप आज आया नहीं है तो मैं अकेला हूँ और सारा काम कंप्लीट हो गया है और 3 अपॉइंटमेंट्स अभी कस्टमर्स आने वाले हैं और मुझे अकेला फील ये पिक्सी होने नहीं देती है, बहुत मस्ती करती रहती है ये नहीं होती तो मैं अकेला फील करता, बट ठीक है ये अच्छा है। ये रिपेयरिंग रूम है पूरा पता ही है आपको और इधर क्लास रूम है पूरा, इसका अलग ही हो रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका हो रहा है। ये रूम में आते हैं तो ऐसा फील होता है कि भाई आप रॉक स्टार ही बन गए, रॉक स्टार के रूम में आ गए या फिर रॉक स्टार बन गए, एकदम पूरा सब दूर म्यूजिक ही म्यूजिक, गिटार ही गिटार। सो गुड न्यूज है, काफी लेट आई है लेकिन जो मेन बैनर है जिसको मैंने बनाने को दिया था उसने आज दिया है, इतने दिनों बाद बहुत लेट हो गया है वो, लेकिन हाँ बैनर बन गया है और 4x8 feet का है, बहुत बड़ा बैनर है, दुकान के बाहर जो लगेगा, शॉप के बाहर लगेगा जो, तो ये उसके कटआउट से एक्रिलिक के ये मेन बोर्ड पे लगेंगे और उसका बैकग्राउंड ब्लैक रहेगा और लेटर्स ये जो है ये वाइट है, ब्लैक एंड वाइट, रात में भी मस्त चमकेगा। अब लेके तो आया है इतना लेट और कुछ बोलने भी नहीं देता है, तो अभी इसको पूरा काम करवाऊंगा इससे, मैं बहुत लेट कर दिया इसने बैनर पहले, तो मेरा बहुत लॉस हो गया ये महीने, पहले ही मैंने इतना इन्वेस्ट करके रखा ये सारी चीज़ों में और उसके बाद इसने और लेट कराया और मेरा लॉस है, तो इसका भी लॉस बनता है, तो इसका लॉस मैं 25% कट करूंगा, इसका जो भी अमाउंट है उसमें 25% कट करूंगा, तब ये शायद सुनेगा मेरे। अभी तो ऐसे बोलता है कि अरे बस बस कुछ मत बोलो कुछ मत बोलो, कल ला रहा हूँ कल ला रहा हूँ कल ला रहा हूँ, अभी भी फ्रेम नहीं लाया, कल लाएगा, मतलब अच्छा बैठा, अभी ये पूरा लग जानते इसके बाद इसके 25% रुपीस कट कर दिए जाएंगे, तब इसको समझ में आएगा कि तब ये सुनेगा, लिटरली तब सुनेगा। तो ये गिटार आया हुआ है और ये मेरे होने वाले स्टूडेंट का गिटार है, तो कितना अच्छा बिजनेस हुआ है, मतलब गिटार भी आ रहा है, स्टूडेंट भी आ रहा है, रिपेयर भी कर रहा हूँ मैं, फीस भी ले रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छा है, मतलब सस्टेनेबिलिटी अच्छी है बिजनेस की, सब एक ही जगह काम हो जाता है, और जिनका इंस्ट्रूमेंट है और जिसको सीखना है तो उसके लिए तो अच्छा ही है, सब सारा काम एक ही जगह हो गया। सो आज ये नया इंस्ट्रूमेंट आया ट्यूनिंग के लिए, कलिम्बा बोलते हैं इसको, और इसको ऐसे प्ले करते थे हमसे, फॉर एग्जाम्पल ये नोट जो है सी नोट अभी थोड़ा ऊपर है, सुर से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको क्या करेंगे नीचे लाने के लिए हम इसको थोड़ा सा ये इधर से इधर शिफ्ट करेंगे इस पत्ती को, तो हो जाएगा, तो ये हैमर दिया हुआ है उसके साथ, इसके साथ करेंगे, और हो गया। मैं मीटर पे देखता हूँ, ये वाले मीटर पे कलिम्बा। ओ पिक्सी मैडम भी ट्यून कर रही हैं, लो पिक्सी मैडम ट्यून करके दो जल्दी से, यहीं बैठी हुई रहती है, कुछ भी काम करता हूँ यहाँ बैठ के सुनेगी, क्या है करो ट्यून करके दो, ये लो ट्यून करो ट्यून करके दो। सो ट्यूनिंग तो हो गया इसका, लेकिन इसमें सिर्फ ना 7 ही स्वर हैं, मतलब टोटल 12 स्वर होते हैं उसमें से 7 ही स्वर है, सारे गम पद नहीं, उनके बीच के जो स्वर होते हैं एक्स्ट्रा 5 वो नहीं है इसमें, तो इसमें सिर्फ मेजर स्केल बजा सकते हैं और उसके अंदर जो गाने बजते हैं मेजर स्केल में वो बजा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बजा सकते। तो हैप्पी बर्थडे की 2 लाइन देखो सुनो, मैंने सीख लिया, तो अच्छा छोटू सा इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा टोन भी आवाज़ भी, बट स्केल नहीं बजा पाते, अलग अलग सी मेजर स्केल ही है बस इसमें, उसके अलावा कोई सी स्केल नहीं है।